बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं बना रही हूँ कढ़ी पकौड़ा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाफ कप मैंने ऑयल ले लिया और 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टमाटर, 1 नमक, मिर्च और हल्दी 1-1 चम्मच, 1 चम्मच। अच्छी तरह फिर भून लूंगी। अब मैंने 1/2 किलो दही, 2 बड़ी चम्मच बेसन और फिर साबुत मसाले और पानी डाल के उसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लूँगी। अब जो मसाला बनाया उसके अंदर डाल के और पानी डाल दिए और तकरीबन 40 मिनट अच्छी तरह पका लें। अब मैं पकोड़े के लिए सामान तैयार कर लेती हूँ। आलू ले लिए थे और उसके अंदर प्याज और सब्ज़ मिर्च, थोड़ी सी पालक। अब मसाले, नमक 1 चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच, सुरख मिर्च 1 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, कुटी हुई मिर्च 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, सूखा धनिया 1 चम्मच। अब ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डाल लूँगी। बेसन 1 कप, एक अंडा, 1/2 और पानी डाल लेती हूँ। अब एक कढ़ाई लेके उसके अंदर ऑयल डाल लूँगी। अब मैं छोटे छोटे पकोड़े बना लूँगी। कढ़ी अच्छी तरह पक चुकी है। जितनी ज़्यादा पका लो उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। अब इसके अंदर मैंने पकौड़े डाल लिए। अब रेडी है। बहुत ही मज़े की बनती है, साथ चावल भी उबाल सकते हैं। और आप सब भी बनाइए और खाइए। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।